स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में। हर बार की तरह इस बार भी जो है हम एक नई वैकेंसी के साथ आए हुए हैं। तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों, पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आई हुई वैकेंसी है, जहां पे दोस्तों ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही कम समय में आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर मिल जाएंगी। सो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे जो वैकेंसी आई हुई है पब्लिक सर्विस कमीशन में, उसका एडवर्टीज़मेंट नंबर क्या है। तो दोस्तों इसका जो एडवर्टीज़मेंट नंबर है A2/E1/2020 जो है इसका एडवर्टीज़मेंट नंबर है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे बात कर रहे हैं UPSC रीजनल इंस्पेक्टर की आई हुई वैकेंसी के बारे में, जो पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है आई हुई है, जिसकी लास्ट डेट दोस्तों 28 नवंबर 2020 रखी गई है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात किया जाए, बहुत शॉर्ट तरीके में बताऊंगा आपको, तो यहाँ पे देखेंगे अगर रीजनल इंस्पेक्टर RI टेक्निकल के लिए जो है यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुई है। जहाँ पे दोस्तों अगर पोस्ट की बात किया जाए तो यहाँ पे कितना पोस्ट है, 28 जो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है डिविजनल इंस्पेक्टर के लिए जो है यहाँ पे वैकेंसी आ रखी है। जी हाँ, डिविजनल इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई है, 28 जो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। यहाँ पे दोस्तों जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है उसकी बात किया जाए तो यहाँ पे जो है 10th पास विथ डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट, किसी भी इंडिया के किसी भी स्टेट से आपने अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो आप जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं दोस्तों। तो डिविजनल इंस्पेक्टर टेक्निकल में जो है डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं। देन दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट की बात किया जाए, आयु की बात किया जाए, तो 21 से लेके 40 साल के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। हालांकि ये वैकेंसी जो है उत्तर प्रदेश की है, लेकिन इस वैकेंसी में जो है अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देन दोस्तों बात किया जाए इसका सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए, तो यहाँ पे जो है रिटर्न टेस्ट होगा और पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे जो है यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। इंपॉर्टेंट डेट जान लेते हैं दोस्तों, ये फॉर्म कब से कब तक रहेगा। दोस्तों ये जो फॉर्म है आपका रहेगा 28 नवंबर 2020 तक। जी हाँ, 28 नवंबर 2020 तक इसका ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करने का डेट है। बाकी दोस्तों अगर ये पूरा फॉर्म की लास्ट डेट की बात किया जाए तो यहाँ पे जो है 3/12 यानी कि 3 दिसंबर 2020 तक जो है आपको फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। बाकी इसके एग्जामिनेशन डेट और एडमिट कार्ड डेट जो है अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में मतलब जब इसका लास्ट डेट वगैरह ख़त्म हो जाएगा तब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देन दोस्तों बात कर लेते हैं कि कैसे अप्लाई करना है दोस्तों। तो अप्लाई करने के लिए मैंने आपको लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, आप वहाँ से जाके फॉर्म को ईज़िली फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आप उस लिंक को खोलेंगे तो उस लिंक को देखेंगे, खोलते ही आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार का देखेंगे, तो ये एडवर्टीज़मेंट नंबर के साथ यहाँ पे लास्ट डेट के साथ ये खुल गया है। तो यहाँ से आप दोस्तों इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, इसका एडवर्टीज़मेंट नंबर देख सकते हैं। देन दोस्तों यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, तो अप्लाई को क्लिक करके आप जो है यहाँ पे देखिए इस प्रकार जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है दी गई है। पहले आज जो है आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि रजिस्ट्रेशन को आपको क्लिक करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या क्या पूछेगा। यहाँ पे जो है दोस्तों दिया गया है कि आपने क्या जो नोटिफिकेशन आया हुआ है वो उसका नोटिफिकेशन जो है पढ़ लिया है कि नहीं पढ़ लिया है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि हैव यू एवर अप्लाइड पूछ रहा है कि क्या आपने पहले भी कभी UPSC में एग्ज़ाम दिया है कि नहीं किसी भी पोस्ट के लिए। तो अगर आपने दिया है तो यस लगाइए, अगर नहीं दिया है तो नो लगाइए, जैसे कि मैं यहाँ पे नो लगा रहा हूँ दोस्तों। देन दोस्तों जैसे ही नो लगाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे फर्दर जो है फॉर्म खुल के आएगा, तो यहाँ पे जो है आपको जो भी डिटेल पूछा गया, जैसे कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, देन डोमिसाइल, ये सारी चीज़ें पूछी गई है, तो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। इस प्रकार जो है दोस्तों यहाँ पे जो भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो भी चीज़ें पूछ के आप जो इसको फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार जो है आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है यहाँ पे। तो यहाँ से हम वीडियो को एंड करते हैं। कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर हमें कमेंट करें। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।